हे गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यार सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग जो है टेम करने वाले सार्को को, बिकॉज बहुत टाइम हो गया यार। हम लोग मतलब बहुत टाइम नहीं हुआ, लेकिन एपिसोड शुरू हुए तब से यार सार्को टेम नहीं किया, बिकॉज हम लोग को पानी से जाने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। हमारी बोट है हम लोग के पास, हमारी राफ्ट, बट वो थोड़ी सी स्लो इशू रहता है उसका, तो इसलिए हम लोग सोचा अब सार्को कर ही लेते हैं टेम, बिकॉज लेवल अभी खुल चुका है। एंड पिछले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ने इन रैप्टर्स को जो है टेम किया था। तो एक्चुअली जो है इसके लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा नेम्स आए, बहुत लोगों ने नेम सजेस्ट किया, बट मैंने अब तक रखे नहीं, बिकॉज ये वीडियो मैंने ऑलरेडी शूट किया था, तो इस वजह से जो मैं अभी नेम नहीं रख सकता। लेकिन आई थिंक नेक्स्ट या फिर उसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में मैं इनके नेम रख दूंगा। एंड जिन लोगों ने अब तक डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया, भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पे आपको डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा। बहुत जल्दी वहाँ पे हमारे 400 मेंबर्स जो है कंप्लीट होने वाले, तो भाई जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो जाओ क्लिक करो उस पर, एंड भाई हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन हो जाओ। बाकी तो भाई अपने सार्को का जो है अभी सैडल तो ओपन हो चुका है, तो अभी मेरे लिए और हैरी के लिए दो सार्को एक्चुअली टेम करने, बट अब पता नहीं कि वो होंगे कहाँ पे एक्चुअली। ये देखो आ गया भाई अपने हैरी यहाँ पे। अबे ये देखो भाई, ये अलग ही कुछ अलग ही चलता रहता है भाई। तू रैप्टर से मेरे को नहीं मार सकता, फिर भी भाई ऐसी कोशिशें काई क्यों करता है मतलब। सो गाइस, अभी एक सीन हो गया, मैं तुम लोगों को बताता हूँ एक्चुअली क्या सीन था। पता है थेरिजिनोसॉर बहुत बेस के पास घूम रहा था, तो हम लोग को थोड़ा डर था कि हमारे कहीं डायनोज ना मर जाए, इस वजह से हम लोग ने बहुत मेहनत की भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत की, तब हमने उस थेरिजिनोसॉर को मार तो दिया, लेकिन भाई मेरी चड्डी उड़ा दी यार उसने, मतलब भाई उसने खतरनाक डैमेज दिया हम लोग को, तो भाई मेरी अंडर पैंट ही उड़ा दी उसने पूरी, मतलब पैंट उड़ा दी मेरी, कोई नहीं, लेकिन उसको तो हम लोग ने मार दिया भाई। बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर रहा था हम लोग को, तो भाई वो तो चलो हो गया क्लियर अभी। एंड भाई ये प्रूफ है, देख लो भाई हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। तो यहाँ पे थेरिजिनोसॉर को जस्ट अभी मारा है मैंने। भाई तुम लोग ने इतने ज़्यादा हैरी के इसमें कमेंट्स किए कि भाई कपड़े पहन लो, तब जाके ये मारा है कपड़े पहनने के लिए, तो इसको अभी मैं जो है क्लोज दे रहा हूँ। और अभी हम लोग ने अपग्रेड कर लिया, अभी हम लोग कब से जो है नॉर्मल इस पे थे, प्रिमिटिव वगैरह जो भी था वो, तो अभी हम लोग हाइट के कपड़े बनाए हमने। इसको हेलमेट देना भूल गया था मैं। ओके, तो अभी जो हम लोग ने हमारे हाइट के जो है सूट्स बना लिए यहाँ पे, और ये काफ़ी कम्फर्टेबल है ना। हाँ ये देखो काफ़ी कम्फर्टेबल है, चलो सही है। तो अभी ये कपड़ों का तो काम कम्प्लीट हो चुका है, अब भाई हम लोग को सार्को ढूंढना, अब देखना पड़ेगा सार्को किस साइड होंगे। सार्को को करना है टेम, बट उसके लिए ना यार नार्कोटिक चाहिए, बिकॉज ट्रैंक एरो बनाने, और भाई मेरे पास नार्को बेरी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भाई ये पैरासॉर का एक अजीब ही सीन है, इसको बहुत एम लगा के मारना पड़ता है, तब जाके कलेक्ट होता है। पता नहीं पड़ा अभी मेरे को नार्को बेरीज यहाँ पे कलेक्ट तो करनी पड़ेगी, बिकॉज नार्कोटिक जो बनानी है। किस साइड हो सकता है वो? अभी देखो यार, मतलब ट्रैंक एरो भी बना ली मैंने, और उसको भी दे दिया हैरी को मैंने ट्रैंक एरो वगैरह टीमिंग के लिए, बट अब यहाँ पे सार्को होगा कहाँ पे वो देखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे एक डोडे भाई, इसी को मार के भाई अभी के लिए काम चला देते। वैसे भी मेरे पाइक का उद्घाटन हुआ ही नहीं था, बनाया तो मैंने बट यूज़ हुआ ही नहीं था, अभी उद्घाटन हो गया। और पानी के अंदर तो ट्राई की बोल रहा हूँ, सार्को तो नहीं दिख रहा, बेफालतू यार वो पिराना विराना लग जाएंगे पीछे। कहाँ पर होगा भाई फिर? ओके फाइनली यहाँ पर देखो, ओ भाई लगता है हैरी के पीछे लगता है कुछ पिराना लग गया, इसलिए वॉल्यूम आ रहा है। अबे भाई ये कार्बो बिरबो भाई मारना, वैसे कार्बो नहीं मार सकता उसको, बट फिर भी मेरे को चाहिए भाई मेरे साथ। अबे तू मेरे को क्यों मार रहा है भाई? तू तेरे को मार रहा है उसको, तो मार पहले, फोकस कर यार एक चीज़ पे। आ जा भाई सार्को, चल। मैं वही बोलूँ भाई आवाज़ कैसे, हैरी ने भाई उद्घाटन कर दिया इसको मार के। चलो अब इसको फटाफट टेम करते, इसको हेडशॉट देता। अभी इसका हेड मेरे को पता नहीं, इसका नोज ही इसका हेड है क्या? अब मेरे को अंदाज तो पता नहीं, बट चलो ठीक है। ओह हो भी नहीं, ओह हो गया भाई, मेरे को लगा थोड़ा टाइम लेगा, 314 लेवल का, बट चलो ठीक है, अगर हो जाता इतना जल्दी हो गया तो काफ़ी सही है। अबे यार ये अटकता कैसे यार मेरा प्लेयर हमेशा? ओके चलो, ये क्या ग्लिचेस हो रहे हैं भाई, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये? ओके तो गाइस यहाँ पे हम लोग के जो है हो चुके हैं, एंड अभी जो है हैरी का एक प्लान है। हैरी मेरे को बोल रहा है कि हम लोग पैरासॉर को भी टेम करते, पैरासॉर पैरास्थेरियम क्या नाम है इसका मेरे को नहीं पता, तो हैरी बोल रहा है कि उसको भी टेम करते, बिकॉज बेरीज का वगैरह बहुत सीन होता है। तो चलो ठीक है भाई, वो बोल रहा है तो इसको भी टेम कर ही लेते, इसका क्या नाम है वैसे, पैरासॉर थेरियम वगैरह है, तो इसको टेम कर ही लेते, बिकॉज हम लोग का जो पैरासॉर है भाई ये उसका विकसित रूप है भाई समझ लो, तो पैरासॉर बहुत कम नार्को बेरी कलेक्ट करता है, और आई थिंक ये बेरीज के लिए बेटर है, तो इसी को भाई अभी टेम करना है। जस्ट अभी एक काम करना पड़ेगा मेरे को ना, सार्को से इसको थोड़ा दूर टेम करना पड़ेगा, ये सार्को का एक सेकेंड। ओके भाई इसको अब तक 1% भी नहीं बढ़ा लिटरली, तो इसको मेरे को थोड़ा दूर करना पड़ेगा, बिकॉज गलती से इसने सार्को को मार भी दिया, तो भाई वैसे मारेगा नहीं, लगता नहीं वैसा डायनो है। आ जा भाई,
इसको पहले यहाँ पे आने दो। ओके चलो आ जा भाई। अबे हैरी अभी भी आ ही रहा, मेरे को लगा पहुँच गया भाई हैरी। इसको हेडशॉट दूंगा तो मैं भी जल्दी इसका टॉर्पर होगा। अब हैरी ऐसा एक बार बोला था कि सबको हेडशॉट से नहीं होता, मेरे को नहीं पता बट वो ऐसा आई थिंक बोला था, इसलिए मेरे को थोड़ा पता नहीं यार। भाई एक शॉट तो मार ले भाई मेरे को तू। स्पीड काफ़ी अच्छी है इसकी बट ये मार नहीं पा रहा मेरे को, पता नहीं क्यों। ये काफ़ी बड़ा है यार, ऐसा लगता है ऊँट लगता है, पता है इसका मुंह को देख के मेरे को ऊँट लगता है, ये ऐसा लगता है कुआ हुआ ऊँट है भाई। ओके हो ए नहीं 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 भाई 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 प्लीज 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 पानी में नहीं जाना। ओह बढ़िया, अब मेरे को लगा पानी में जाएगा क्योंकि पानी में जाता तो भाई फिर तो भाई काम ही खत्म था। और यार एक एपिसोड के अंदर लिटरली हम लोग दो दो तीन तीन डायनो टीम कर रहे हैं, आज फर्स्ट टाइम हो रहा है, वरना मैंने एक एपिसोड के अंदर इतने डायनोस तो टीम नहीं किए। और मेरे को रुको एरोज निकालने दो भाई, एरोज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। एक तो भाई इधर बन नहीं रही जल्दी हम लोग की, वैसे अब मेरे को पता है नॉर्मल एरो ही मिलेंगी। और इसको भाई खाने को दे दे हैरी, मैं उसको चेक करके आया। ओके हैरी उसको दे रहा है पैरासर को खाने को, मेरे को देखने है तो इसका कैसे। ओ भाई अब तक सिर्फ 4% बढ़ा है यार, 14 लेवल का 4% बढ़ा है भाई, मतलब ये तो पक्का है जिसको होने को काफ़ी टाइम लगने वाला है। गाइज वेलकम बैक टू मीरामार वेदर। भाई मेरे को नहीं पता है मीरामार जैसा वेदर क्यों हो जाता है, और सार को भी अब तक टेम नहीं हुआ, सिर्फ 9% हुआ है भाई, तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगने वाला है। लेकिन हम लोग का पैरासर यहाँ पे हो चुका है बिकॉज हैरी भाई ने यहाँ पे स्मूदिंग बाम दे दी थी, कुछ हमने परसूट्स वगैरह किए थे पिराना वगैरह किए तो उसमें से मिली थी। हैरी बोला कि उसको इसको करना है जल्दी, तो मैं बोला चलो दे दे भाई फिर स्मूदिंग बाम, तो इसने इसको दे दिया। और इसका भी क्या बढ़ा क्योंकि एक्चुअली मैंने इसको कभी टेम नहीं किया है। हम इसका इसके मोटे को देख के लगता था कि इसका स्टैमिना बढ़ाना चाहिए, ऐसा ना भाई कि कलेक्ट करते करते भाई ये तो स्टैमिना ख़त्म हो जाए इसका। और भाई ये मीरामार का वेदर बंद होगा प्लीज़, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं भाई ये वेदर, एकदम ऐसा अजीब है यार, क्या बोलते उसको मैं बता भी नहीं पा रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा अजीब लगता है मेरे को। कुछ ह्यू वगैरह कुछ कहते हैं वो बढ़ गया ऐसा लगता है इसमें भाई, बहुत अच्छी भाई रेगिस्तान, लिटरली रेगिस्तान लगता है मेरे को। ओके तो चेक करते हैं अभी, ये देखो हैरी वापस से ऊपर ही बैठा है, फुल एंजॉय कर रहा है यार, काफी से यार क्या मस्त बेरीज कलेक्ट कर रहा है, मतलब मस्त भाई देखो यार, मतलब काफी अच्छी बेरीज कलेक्ट कर रहा है, और नार्को बेरीज भी काफी ज्यादा आ रही है, तो मतलब आई थिंक इसको टेम करने के बाद हम लोग को अभी के लिए तो आई थिंक अब ट्रैंक का कोई इशू नहीं होगा, नार्कोटिक वगैरह तो अभी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे हम लोग को। वैसे यार ये थोड़ा स्लो है, कोई नहीं इसकी मूवमेंट स्पीड पे ध्यान देंगे बिकॉज इसका स्टैमिना भी अच्छा है और इसका स्टोरेज भी अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है यार। अबे पैरासर के चक्कर में यार एक काम करना ही मैं भूल गया था, और इसको भाई बायोटॉक्सिन दी नहीं थी मैंने, इसको मैं नार्कोटिक नहीं दे रहा बायोटॉक्सिन दे रहा हूँ, इसका टॉर्पर बहुत कम हो रहा है इसलिए, क्योंकि यार नार्कोटिक बहुत मेहनत से बनती है, बायोटॉक्सिन ईजिली मिल जाती है मेरे को जेलीफिश मार के, तो भाई नार्कोटिक तो वेस्ट नहीं करूँगा भाई। यार सारी कायनात उल्टी की फुल्टी हो गई, लेकिन भाई सार को अब तक टेम नहीं हुआ, लगभग यार 30 से 35 मिनट भाई हम लोग वेट कर रहे हैं, बड़े बिल्कुल भी टेम नहीं हुआ, अब तक सिर्फ 64% हुआ है यार। ओ ओ भाई हैरी हैरी ये चीज़ें मत कर भाई, उसके रैप्टर को लेके भाई उसके सामने जंप वगैरह कर रहा है, गलती से एक दो शॉट लग गए भाई तो मर वर ना जाए भाई, मेरी 30 मिनट की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो यार वो सार को टेम होने में तो अभी भाई काफ़ी ज़्यादा वक्त है, बहुत टाइम लग रहा है उसको टेम होने में, तो मैंने और हैरी ने सोचा कि भाई आगे जाते हैं वहाँ पे भी एक सार को रहेगा, बिकॉज उस एरिया में तो अभी और एक सार को नहीं था, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऑब्लिक के पास, आई थिंक वहाँ पे हम लोग एक सार को मिल जाएगा, हैरी बोल रहा है। और अभी हैरी बोट चला रहा है भाई, मैं इस नोक पे खड़ा हूँ जो इसने बनाया, भाई गिर गया ना मैं यहाँ से तो भाई पिराना तोड़ देंगे मेरे को भाई। यार एक शॉट लग जाए सिर्फ यार मज़ा आ जाएगा भाई, यार एक शॉट सिर्फ लगना चाहिए भाई, स्वाद आ जाएगा स्वाद। और अगर तुम लोग को नहीं दिख रहा हो क्योंकि थोड़ा दूर है, अगर नहीं दिख रहा हो तुम लोग या फिर तुम लोग सोच रहे किसको मारे, तो भाई हम लोग मारे द अल्फा रैप्टर को, ये देखो और भाई अगर अब कोई सोच रहा हो क्यों उसको परेशान कर रहे हो, भाई कुछ है नहीं करने को अभी, ना सार को हमें मिल रहा है, हम लोग ने बोट से ढूंढा बट सार को नहीं मिला। और भाई नीचे हैरी ने बोला कि यहाँ पे अल्फा रैप्टर, मैं देखा तो भाई मैं सोचा कि चलो भाई इसी को मारते, वैसे कोई दिक्कत नहीं हमारी बोट हम लोग के पीछे ही है, बट भाई अगर इसको लग गया ना तो भाई तुम लोग देखो फिर यार कैसे हम लोग की लगा देगा, बट इसको लग नहीं रहा ना यार, इतने एरोज वेस्ट हो रहे हैं, लग ही नहीं रहा इसको, एक सेकेंड ऐसे मारता आई थिंक लग जाएगा। ओ भाई सर एक सेकेंड में वहाँ से और पहुँच गया भाई, बहुत स्पीड है भाई। एक तो रैप्टर्स का क्या सीन रहता है, अल्फा बहुत बड़े रहते हैं नॉर्मल अल्फाज से, सॉरी नॉर्मल रैप्टर्स, और थोड़े स्पीड भी रहते थोड़े बहुत, तो भाई एक शॉट भी लग गया तो भाई एक सेकेंड में वो मेरे को उड़ा देगा, लेकिन मेरी बोट का बंदोबस्त करके रखा है मैंने, और ऐसा नहीं कि मैं, ओ भाई वो कहाँ गया वे सारा, उसकी बात करूँ उससे पहले गैप हो गया हैरी, तो ऐसा नहीं मैं अकेला नहीं मार रहा था, हैरी भी मार रहा था, अभी गया वो शायद वो, ओह
ओ भाई मैं डर गया ना यार पैरासोर, मेरे को लगा भाई उसको शॉट लग गया भाई, भागना पड़ता मेरे को बहुत जोर से भाई। ये रैप्टर्स पता है एक ही जगह पे ऐसे जोर जोर से पैर मारते। एक सेकेंड भाई, ये मेरी बेस के ये बोट के पास आने वाला है, मेरे को भाई भागने में बेटर है, क्योंकि देखो मेरी बोट का अल्फा का है अभी। एक सेकंड मेरे को मेरी बोट के पास जाने दो पहले भाई। ये फ्यूम है क्यों भाग रहा है भाई? वो देखो भाई अल्फा रैप्टर भाई, गलती से अगर ये मेरी बोट के पास आ जाए ना तो मार देगा मेरे को। तो हैरी के, ओ भाई ये तो भाई पहले ही बैठे है सर जी। चलो कोई नहीं मैं जाता हूँ भाई, बेफालतू अगर ये आ गया तो भाई मेरी तो वाट ही लगा देगा ये। चलो भाई हैरी भाई निकलो ऐसे। ए भाई ओ भाई ओ भाई ये क्या कर रहा है हैरी? हैरी प्लीज नहीं, हैरी प्लीज नहीं। ओ भाई सब बच गए। ओ अबे नहीं नहीं गया मैं, गया मैं, गया मैं, गया मैं, गया मैं, गया मैं, गया भाई भाई प्लीज प्लीज हैरी हैरी रुक हैरी रुक हैरी रुक। शिट 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 गया गाइस, मेरा काम हो गया भाई, मेरा काम हो गया भाई, मैं बच जाऊंगा बच जाऊंगा। एक सेकंड एक सेकंड। ओ भाई भगाओ भाई भगा भगाओ, एक सेकंड मैं हूँ ना। हाँ भगाने दे मेरे को भाई। ओ भाई साहब मैं लिटरली भाई मेरी फट गई थी पूरी, हाथ में आ गई थी भाई, अल्फा रैप्टर के जाल में गिर गया था भाई मैं। एक सेकंड एक सेकंड भाई मेरे को सांस लेने दो, मेरे को एकदम क्या हो रहा है मेरे को यार। हाँ भाई मेरी पूरी लिटरली फट गई थी, मैं भाई एकदम कंफ्यूज हो गया था मैं करूँ क्या अभी। चल अबे नहीं ये गया भाई, ये मरने वाला है, ये गया। ओ आगे नसीब भाई, भाई क्या कर रहा है यार यार, मेरे से तो हो गई। ये बोट में ग्लिच है, जब भी हम लोग बोट चलाते हैं मैं जंप मारता हूँ तो डायरेक्टली मैं ग्लिच से बाहर जाता हूँ, पता नहीं अजीब ग्लिच। और वो कहाँ है भाई वो बेवकूफ़? नहीं है ना पीछे। चलो कोई नहीं भाई अपना बेस पे जाते हो, सार को अब तक हो गया होगा मे बी। भाई यार अल्फा के चंगुल से तो बच गया, बट यार मेरे सार्को का क्या होगा मेरे को पता नहीं अब तक, क्योंकि भाई उसका टॉर्पर आई थिंक खत्म हो गया होगा। मेरे को भाई देखने तो फटाफट मेरे को जाके देखने दो भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन आ गया। गलती से भी अगर उसका टॉर्पर खत्म हो गया तो भाई मेरी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी यार। ओके भाई तो भाई मतलब हो रहा है ये टीम भाई, मेरी जान में जान आ गई बिकॉज इसका अनकॉन्शियस भी कम हो गया था। और भाई अगर मैंने आता तो मे भी इसका अनकॉन्शियस लेवल खत्म हो नहीं होता, वैसे टेम हो जाता है, बट फिर भी यार वो स्वाद नहीं आता ना फिर, मतलब ऐसे टेम होते हुए नहीं देख पाता यार मैं उसको भाई। ये अबे ये पेट्रो तुम लोग हमेशा इधर ही क्यों आते हो भाई? मैंने हजार बार मना किया साले तेरी तो मैं भाग। हो भाई एक ही इसमें मर गया यार ये भाई, ये तो भाई बहुत ही था भाई, एक टच में मर गया, सो सैड यार। चलो कोई नहीं गाइस, यार स्वाद नहीं आ पाया बिकॉज ये जो हमारा टेम हो गया, मैं वहाँ पे फ्यू में मारते बैठा। तो भाई ये हमारे सार को जो है यहाँ पे टेम हो गया, और अभी आई थिंक ये हैरी को फॉलो कर रहा है ना। हाँ लो भाई ये जा रहा है अभी हैरी के पीछे। चलो कोई नहीं अभी मैं जाता हूँ बेस पे फटाफट, और फिर इसके लिए सैडल बीडल बनाते। और वो भाई ये इसकी स्पीड देखो यार, काफ़ी स्पीड है यार, पानी में तो भाई ये है ही बट इसमें भी काफ़ी अच्छी स्पीड है, आई थिंक 120 की स्पीड है कुछ तो इसकी। तो गाइज इसके लिए सैडल बन चुका है, तो इसको मैं जो है पहले अपना खाना खा लेता हूँ। वैसे मैं नॉर्मल मीट ही खाता हूँ, अगर नहीं तो कमेंट करके बोलोगे कि मीट से डैमेज होता है, पता है भाई उतना, बट क्या है वो बेरीज वगैरह नहीं रहती तो बट टाइम चलाने के लिए क्या है, हेल्थ तो वैसे भी रिकवर हो ही जाती है, तो इस वजह से फटाफट मीट वगैरह खा लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलो गाइज आज के एपिसोड के लिए तो बस इतना ही, आई होप आज का जो वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो भाई एक लाइक ज़रूर कर देना, एंड मेक श्योर कि अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड ये देखो भाई यही इसीलिए मेरे को सार्को पसंद है, बिकॉज सार्को से पानी में ट्रैवल करना काफ़ी इजी चीज़ है। एंड क्या तुम लोग मेरी एक हेल्प कर सकते हो मेरे को कमेंट करके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मेरे को कमेंट करके सार्को और पैरासोर के लिए भारी से भारी नेम सजेस्ट करो, ठीक है? और रैप्टर के भी नेम आई थिंक अगले या उससे अगले वाले एपिसोड में हम लोग रखेंगे। और मेरे को ये बताओ कि क्या हम लोग पानी के नीचे कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यार सार्को दिए तो ऑब्वियसली बात है आई थिंक कुछ कर सकते हैं, बट मेरे को अब तक उतना कुछ आइडिया नहीं है। तो अगर तुम लोग बता सकते हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के एपिसोड के लिए तो बस इतना ही गाइस, मेरे को कमेंट करके फटाफट नेम वगैरह बता देना। एंड भाई डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करो, बहुत ही जल्द वहाँ पे हमारे 400 मेंबर्स कंप्लीट होने वाले, तो भाई जाओ और हम लोग की हेल्प करो 400 मेंबर्स कंप्लीट करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलता हूँ आप सभी से फिर ऐसे और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो चलिए गाइस तब तक के लिए गुड बाय।